सिरसा से जहां पर शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जा रहे किसानों को रोका गया है। काफी संख्या में किसान यहां पर जा रहे थे, लेकिन अब इन किसानों को रोका जा रहा है। बाल भवन के पास पुलिस ने रोका है किसानों को और किसान बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। शहीद भगत सिंह स्टेडियम की तरफ ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भगत सिंह स्टेडियम में किसानों की पंचायत होनी है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्टेडियम में, लेकिन इन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर जो किसान हैं वो गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, और जिस तरह से इन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल पंचायत होने वाली है और इस पंचायत में शामिल होने के लिए किसान स्टेडियम में बढ़ रहे हैं, लेकिन इन किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद बैरिकेडिंग को हटाते हुए तोड़ते हुए ये किसान लगातार आगे बढ़े हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सतनाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सतनाम, यहाँ पर किसानों का जो जत्था है, काफ़ी संख्या में ये किसान स्टेडियम की तरफ कूच कर रहे हैं, स्टेडियम में पंचायत होने वाली है। जी बिल्कुल, जो पांच किसान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए थे उनकी रिहाई को लेकर आज जो है एसपी ऑफिस के घेराव की कॉल दी गई थी किसान संगठनों की तरफ से, तो उसी को लेकर ही शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एक पंचायत शुरू होनी है, जिसमें जो बड़े नेता है, किसान नेता है, वो भी पहुंच रहे हैं। बलदेव सिंह सिरसा, अभिमन्यु कुहार, ये दो नेता पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में एक बताया जा रहा है कि राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर हजारों की संख्या में जो किसान है यहाँ पहुंच चुके हैं, और अभी अगली रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से घेराव किया जाएगा, किस तरह से आगे प्रशासन के साथ बातचीत हो पाती है, नहीं हो पाती, किस तरह से इस घेराव किया जाएगा और किस तरह से किसान जो पकड़े हैं उनकी रिहाई के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। तो ये तमाम जो रणनीति है इस महापंचायत में तैयार होनी है। अभी नेता पहुंच रहे हैं, काफी संख्या में किसान भी पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर अभी जो क्योंकि पंचायत चल रही है, अभी एक से डेढ़ घंटा लगेगा, जिसके बाद किसान आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस तरह से वो अपनी मांग को लेकर आगे एसपी ऑफिस की तरफ जाएंगे। वही अगर बात करें सुरक्षा की, तो एसपी ऑफिस के जो चारों तरफ से है लगभग 30 नाके लगाए गए थे किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसानों को भी कुछ जगह रोकने की कोशिश की गई थी। ये बरनाला रोड का एरिया है जहां पर एसपी ऑफिस है, जहां सदर थाना और बाल भवन के पास बैरिकेडिंग की गई थी कि किसानों को शहीद भगत सिंह स्टेडियम में ना जाने दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने बैरिकेड हटाकर वो शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंच गए हैं और कई इलाकों को हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी धीरे धीरे किसान पहुंच रहे हैं और काफी संख्या में किसान वहां स्टेडियम में इकट्ठा भी हो गए हैं जहां महापंचायत हो रही है। सुरक्षा की अगर बात करें तो जी, पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि एसपी ऑफिस की तरफ किसान ना बढ़ पाए। इसको लेकर 25 कंपनियां जो है वो लगाई गई है, जिसमें आरएएफ है, आईटीबीपी के भी जवान है और हरियाणा पुलिस के जवान है। तो लगातार एसपीडीसी जो है पूरी सुरक्षा का मुआयना कर रहे हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी ताकि कोई असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम ना दे सके। जी, चूंकि ये किसान नाराज हैं इन किसान भाइयों की जो गिरफ्तारी हुई थी, इस बीच यहाँ पर किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सतनाम, ज्यादा जानकारी के लिए।